आप जब किसी विंडोज़ को इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपको यहाँ पे दो तरह का प्रॉब्लम शो कर सकता है, जीपीटी पार्टीशन स्टाइल द सिलेक्टेड डिस्क, या फिर द सिलेक्टेड डिस्क हैज़ एन एमबीआर पार्टीशन टेबल। तो दो ही तरह के पार्टीशन होते हैं यहाँ पे, एमबीआर या फिर जीपीटी। तो आपको उसी तरीके का आपको पेन ड्राइव बूटेबल बनाना है। जैसे सबसे पहले अगर आप पेन ड्राइव बूटेबल बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डिस्क के बारे में जानना है। तो डिस्क के बारे में इस तरीके आप जानिए, आप डिस्क मैनेजमेंट में चले आइए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। डिस्क मैनेजमेंट में आपको आना है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 01, 21, 01 एंड 2, यहाँ पे तीन हार्ड डिस्क है। तो 01 मैं इसको जिसको कि फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ या फिर नया विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इसका पार्टीशन स्टाइल क्या है। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि MBR पार्टीशन स्टाइल है या फिर GPT। आपको उसी टाइप में आपको पेन ड्राइव बूटेबल बनाना है। ओके, सिंपल। तो आप पहले चेक कर लीजिए, तो अगर कंप्यूटर रनिंग में है तो आप चेक कर सकते हैं। मतलब आपने सोच रखा है कि मुझे पेन अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करना है या फिर नया विंडोज इंस्टॉल करना है, तो आपको इस तरीके से अपने डिस्क का पार्टीशन स्टाइल चेक कर लेना है। अभी देखिए दूसरा जो डिस्क है वो है यहाँ पे GPT, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पेन ड्राइव बूटेबल बना लेना है। तो जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डेफिनेटली वही, जो जो जीरो था वो MBR था, तो आपको अपना पेन ड्राइव जो है इस कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए MBR में आपको क्या करना है, MBR में आपको अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। विंडोज़ कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखे तो आपको एक अच्छा आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर बताता हूँ, रूफ़ुस लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पे टाइप करना है गूगल पे। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, लेटेस्ट वर्जन मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए जिसके ज़रिए आप अपने पेन ड्राइव को जिस भी पार्टीशन स्टाइल में बूटेबल बनाना चाहें उसी पार्टीशन स्टाइल में आप बूटेबल बना के ये जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, द सिलेक्टेड डिस्क इज MBR या फिर GPT, उससे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं पेन ड्राइव को मैंने ओपन किया, बड़ा ही आसान है, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद मैं ISO को सिलेक्ट करता हूँ, ISO जहाँ पे जो भी आपने विंडोज़ ISO फाइल रखा है। आप जानते हैं हाउ टू बूटेबल, आपको नहीं पता कि बूटेबल कैसे बनाया जाता है तो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, चैनल में जाके देख सकते हैं कैसे आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे विंडोज़ 11 में देख पा रहा हूँ, विंडोज़ 11 को मैंने सिलेक्ट किया। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये भी ये यहाँ पे बायोस टाइप है, तो बायोस टाइप आप जानते हैं। अभी पार्टीशन स्कीम देखिए, आप यहाँ पे GPT है, अगर आपसे वो GPT पूछता है तो GPT में अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना लीजिए। अगर आपको शो कर रहा है कि द सिलेक्टेड पार्टीशन स्टाइल इज GPT, तो आपको GPT में रखना है और स्टार्ट में क्लिक कर देना है, आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे शो कर रहा है MBR, तो आपको क्या करना है, MBR में सिलेक्ट करके पार्टीशन स्कीम को MBR में सिलेक्ट करके आपको स्टार्ट में क्लिक कर देना है, तो MBR में हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो इस पेन ड्राइव के ज़रिए आप जब भी चाहे पार्टीशन स्कीम को चेंज कर सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जो आप देख पा रहे हैं उसको आप यहाँ पे सॉल्यूशन बड़ी आसानी से पा सकते हैं। तो ये तो है पहला तरीका। ओके, आप स्टार्ट कीजिए यहाँ पे और आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा इसमें GPT में, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे पेन ड्राइव को बूटेबल नहीं करता हूँ क्योंकि पेन ड्राइव में मेरे बहुत सारे डेटाज हैं। ओके, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी जो दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि सपोज दैट कि आप जा रहे हैं, आपके पास पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव में आपने सपोज दैट MBR कर रखा है या फिर बूटेबल MBR कर रखा है या फिर GPT कर रखा है। आपने पेन ड्राइव में रखा है GPT और यहाँ पे आपको शो कर रहा है MBR, या फिर आपने रखा है MBR और यहाँ पे शो कर रहा है आपको GPT, तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा मैं आपको सिंपल बताता हूँ। विंडोज़ आप पेन ड्राइव इंसर्ट कीजिए, आप जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं नॉर्मली वैसे ही फॉर्मेटिंग करने के लिए जो प्रोसेस होता है, आप पेन ड्राइव के ज़रिए बूटेबल कीजिए, बूट कीजिए कंप्यूटर को। और जब विंडोज़ इंस्टॉलेशन का जब ऑप्शन आ जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, Shift F10 आपको वहाँ पे प्रेस करना है, Shift F10 डिस्क पार्ट, और आपको टाइप करना है लिस्ट डिस्क। ओके, तो जो भी डिस्क आप फॉर्मेट करना है जैसे 01, तो 01, 02, 1 एंड 2 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे पार्टीशन स्टाइल भी देख पा रहे हैं आप। ये क्या है, 1 क्या है GPT में है और 2 भी GPT में है, लेकिन 0 जो है वो MBR में है। तो सिलेक्टेड जो डिस्क है आपका
वो MBR में है, इसको आपको क्या करना है अभी GPT में कन्वर्ट करना है। ओके तो आप कैसे करेंगे, तो सिलेक्टेड डिस्क आप सिलेक्ट कीजिए। सपोज मैं यहाँ पे 2 को करके दिखा रहा हूँ, तो 2 क्या है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे GPT, आप देख पा रहे हैं GPT स्टाइल है सिलेक्टेड डिस्क। तो यहाँ पे आप मैंने पेन ड्राइव को क्लीन कर लिया, देख पा रहे हैं आप 2 जो है डिस्क 2 जो है मैंने सिलेक्ट, आपको वहाँ पे 01 डिस्क 0 करना होगा, ठीक है डिस्क 0 करके। अब यहाँ पे आपको क्या सिंपली करना है, कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट MBR, मतलब मैंने MBR में कन्वर्ट कर लिया अपने डिस्क को, और आपके पेन ड्राइव में भी MBR है, तो आप बड़े ही सिंपली तरीके से उस कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं, इंस्टॉल नया विंडोज इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है तरीका। ओके तो डिस्क को सिलेक्ट कर लीजिए, 0 को आप सिलेक्ट करना है वहाँ पे आपको, ठीक है। तो जो भी स्टाइल में है वो, अगर वो GPT में है तो आप उसको MBR में कन्वर्ट कीजिए, अगर वो MBR में है तो आप इसको GPT में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके आपके पेन ड्राइव में जो भी पार्टीशन स्टाइल आपने ये कर रखा है, और उसके बाद एग्जिट कर लीजिए, उसके बाद फिर से कंप्यूटर को बूट कीजिए, और बस सिंपल आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। विंडोज़ इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पे आप कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो पेन ड्राइव में जो भी आपका पार्टीशन स्टाइल है, आपका पेन ड्राइव में अगर MBR है या फिर GPT है, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम शो कर रहा है वहाँ पे, तो आप इस तरीके से दूसरे तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिस्क को, आप कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके तो आपके जो भी फ्रेंड्स क्वेरीज होंगे वो मुझे ज़रूर पूछिए, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसके बारे में बता पाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने 2 तरीके बताए, पहला तो आप अपने पार्टीशन के बारे में पहले जान लीजिए, उसी हिसाब से अपने पेन ड्राइव को आप बूटेबल बनाइए, और दूसरा तरीका अगर आपके पास पेन ड्राइव ही है और आपके पास फिर से उसे बूटेबल बनाने का ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास अगर पेन ड्राइव MBR फॉर्मेट में है, तो जो डिस्क है जिसको आप जिस कंप्यूटर को आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं उसको भी आप उस डिस्क को भी आप MBR में कन्वर्ट कर लीजिए इसी तरीके से। तो हो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, आपको समझ आया या नहीं आया वो भी मुझे प्लीज़ बताइए, और ऑलवेज़ सपोर्ट करते रहिए, साथ बने रहिए, और इसी तरीके के वीडियोस ऑलवेज़ मैं लेके आता रहूँगा। और आपको जो भी कुछ क्वेरीज होंगे डेफिनेटली आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स मत भूलिए, बिकॉज आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।